हरियाणा के हिसार के सेक्टर 14 में रहने वाले अपराजित लोहान ने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए यूपीएससी की परीक्षा को पहली बार में ही पास कर लिया है। यूपीएससी की परीक्षा में विजय प्रताप करते हुए अपराजित ने 174वां स्थान हासिल किया है। इस परिणाम के साथ ही भारतीय पुलिस सेवा में जाने का उसका रास्ता साफ हो गया है। इस वजह से उसके परिवार में खुशी का माहौल है और हर कोई फूला नहीं समा रहा। अपराजित की इस उपलब्धि को अपराजित व उसके परिवार वाले नाच गाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपनी सफलता पर अपराजित का कहना है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ना ही होगा। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर ही यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। मूल रूप से नारनौंद के रहने वाले अपराजित ने अपना सपना पूरा करने के लिए 25 लाख रुपए की नौकरी भी छोड़ दी। आईआईटी मुंबई से बीटेक करने के बाद भी अपराजित को अपने करियर के लिए कुछ और करना था, इसीलिए उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और पहली बार में ही सफलता हासिल की। अपने बेटे के यूपीएससी एग्जाम के लिए अपनी शिक्षिका की नौकरी छोड़ने वाली अपराजिता की मां कमला लोहान का कहना है कि यह पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है कि अपराजित ने पहली बार में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ये मेरा बस चाइल्डहुड ड्रीम था कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, तो मैंने काफ़ी जल्दी इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था, 4th ईयर में, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आईआईटी से निकलते ही मेरे को 25 लाख रुपए का जॉब का पैकेज मिला था, लेकिन मैंने उसको भी छोड़ दिया और मैंने सोचा कि अभी 1 साल तैयारी, 1.5 साल तैयारी करके मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना है। तो मैंने उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपने सीनियर से बात की, जो भी पहले लोग टॉपर्स थे यूपीएससी के, उन लोगों से बात की, और मेरी बहन और मेरी माता पिता का तो इसके अंदर जितना मोटिवेशन उन्होंने मेरे को दिया वो तो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने क्लियर किया। जैसे परेशानियाँ तो यही होती है कि आप यूपीएससी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप दुनिया से थोड़ा कट जाते हो। आप चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, होली हो, दिवाली हो, आप इतना ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसको मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, इसलिए मैं किसी सोशल मीडिया साइट पे भी नहीं था अभी तक, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो। लेकिन अब थोड़ी सक्सेस मिली है तो मैं बिल्कुल, ताकि सोशल मीडिया का एक यूज़फुल चीज़ यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाऊँगा, और मैं वो अब करूँगा। अभी आगे का यही है कि मेरी मम्मी का तो ड्रीम था कि मेरे को आईपीएससी मिले, और वो तो पूरा हो गया। लेकिन आगे अभी यही है कि कोरोना की वजह से पता नहीं है कि आगे ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी या जैसे भी, तो मैं चाहूँगा कि एक बार और अटेम्प्ट देके अपनी रैंक इंप्रूव करूँ, 174 से टॉप 5 में अगली बार मैं अपने रैंक लाने की कोशिश करूँ। हम लोग नारनौंद से हैं, तो नारनौंद में ही मेरे माता पिता स्कूल चलाते थे, तो उस टाइम पे जब हम, मतलब मेरी बहन और मैं 8th में था और मेरी बहन 10th में, तब मम्मी पापा को ऐसा फील हुआ कि शायद हम लोग इग्नोर थोड़े फील कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था ताकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। और लोग, उनकी तरफ से कभी इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर रहा नहीं था, उन्होंने हमें सिर्फ एक मार्ग दिखाया था और हम लोग उसके ऊपर फिर चलते गए उनकी सपोर्ट से। 2014 में मेरी रैंक थी 717, उस टाइम पे मेरा आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ था, फिर 4 साल वहाँ पे मैंने बीटेक की, और उसके बाद 1 साल तैयारी करके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हुआ। श्रेय तो काफ़ी सारे लोग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय तो माता पिता को ही जाता है, उसके बाद फिर मेरी बहन है, मेरे सीनियर्स हैं जिनसे मैंने बात की, मेरे घर वाले जिन्होंने पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखा पूरा टाइम, मेरे टीचर्स जिनसे मैं पूरा टाइम टच में रहा, उनसे मैंने पूछा कि प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करनी है, मेंस की कैसे करनी है, इंटरव्यू की कैसे करनी है। तो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप उसको समझ जाओगे तो आप बिल्कुल सक्सेस प्राप्त करो। हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हमारे को नहीं, क्योंकि हमारा बेटा पूरे हिसार का बेटा है, पूरे हरियाणा का बेटा है, तो इसलिए पूरे हिसार में, पूरे हरियाणा में पूरी खुशी का माहौल है। मेरे बेटे का जो आईआईटी बॉम्बे से ये पास आउट है बीटेक, जब भी इसका प्लस टू में 717 रैंक थी इसकी आईआईटी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया 717 रैंक थी, और इसने फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट में आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ इसका, और अब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने ये सफलता प्राप्त की। स्वभाव बहुत अच्छा है, मिलनसार है, कभी मेरा बेटा इधर उधर फालतू की बातों में कभी नहीं उलझा, यही अपने काम से काम रखता है, और ये बात है कि किताबी कीड़ा भी नहीं है, पूरा सोशल है, पूरा अपना सब लोगों को टाइम देता है और अपना काम भी पूरे ध्यान से करता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.